क्योंकि वो भारत सरकार के कानून में है। 10 साल बाद देखना, एक नियम है, ये आरसीएम करो या भारत छोड़ो, क्योंकि यह भारत सरकार के कानून में है और आरसीएम करना पड़ेगा, ये जीवन का अंतिम सत्य है। डिसीजन आपको दोस्त इतना ही लेना है, आरसीएम आप करोगे कि आपके बच्चे करेंगे, दोनों में से एक को करना पड़ेगा, या तो आप करो या आपके बच्चों को करना पड़ेगा, दोनों में से एक को करना ही पड़ेगा। मैंने पड़ेगा बोला है, आपकी मर्जी नहीं है, करना ही पड़ेगा, दोनों में से एक को करना पड़ेगा। अब आपने किया तो बच्चों के लिए विरासत छोड़ के जाओगे ओपी शर्मा की तरह, और बच्चों को करना पड़ा तो संघर्ष छोड़ के जाओगे। ये डिसीजन आज ले लेना जिंदगी में, और छोटी छोटी चीजों से बाहर आ जाओ तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। yes, तो yes, yes. अब जो बात आपने बोली है ना, हिंदुस्तान के सारे लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान के सारे लोग, अच्छा सारे करने लग जाए तो बिल्कुल धमाका हो जाएगा, फिर करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं है। इस बिजनेस की संभावनाओं को देखकर 3 तरह के लोग आरसीएम में ज्वाइन करते हैं, लिखो कितने तरह के, 3 तरह। पहली तरह के लोग होते हैं पोजर्स, POSERS, पोजर्स। ये पोजर्स क्या होते हैं, इनकी संख्या होती है 95%, और ये लोग इस बिजनेस को लॉटरी का टिकट समझते हैं। क्या समझते हैं? लॉटरी का टिकट, कि इनका हो गया हमारा भी हो जाएगा, जिंदाबाद। हेलो, कैसे पॉसिबल है? आज के टाइम में हर चाय वाला चाहता है प्रधानमंत्री बन जाओ, बन सकता है, पॉसिबिलिटीज है, पर जैसा उस साई वाले ने किया वो तो करना पड़ेगा ना। यस या नो? और इनको मैं बोलता हूं, ये लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट। कौन होते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट। टूरिस्ट क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ से गंगटोक घूमने के लिए गए, राइट? गंगटोक जब आप घूमने जाते हो तो आदमी क्या करता है, खूब घूमता है, खूब मस्ती लेता है, खूब सारी फोटो लेता है, सेल्फी लेता है, बहुत सारी जगहों के साथ फोटो खिंचवाता है, उनका फिर वो एक फाइल बनाता है, एल्बम बनाता है, एल्बम घर पर रखता है। टूरिस्ट क्या करता है, बहुत सारी फोटो लेता है, सेल्फी लेता है, उन सारी फोटो को, सेल्फी को मोबाइल में सेव रखता है, मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे लगाता है, वॉलपेपर पे लगाता है, उनकी कुछ प्रिंट आउट निकाल के घर की दीवार पे लगाता है। जैसे लगा के लगाता नहीं लगाता yes. और 5 साल बाद भी लोगों को बोलता है, देख मैं यहाँ घूमने गया था। जैसे नो, जैसे मैं 4 साल पहले स्विट्जरलैंड गया तो आज हर मीटिंग में बोलता हूँ भाई मैं स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गया, राइट? और कई बार फोटो सामने आ जाती है तो दोबारा शेयर भी करते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे। जैसे नो, पता है टूरिस्ट का काम यही तो है। ये लोग क्या करते हैं, जो पोजर्स होते हैं, ये हर मीटिंग में आते हैं, खूब सारी फोटो लेते हैं, अपलाइन के साथ सेल्फी लेते हैं, भीलवाड़ा भी जाते हैं, टीसीजे के साथ भी फोटो लेते हैं, भी नहीं छोड़ते, राइट? करते कुछ नहीं, उन फोटो को सेव करते हैं और 10-10 साल बाद लोगों को दिखाते, देख मैंने भी किया मिलता है प्रिंसी के वहां पर ट्रेनिंग थी, देख उसमें था मैं। ये देख टीसीजी के साथ की टीसीजी की ट्रेनिंग भी मैंने ली, मेरा नहीं हुआ तेरा कैसे होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी जिम ज्वाइन करे, राइट? मान लो सर को लेते हैं, ये बहुत सारे हीरो हीरोइन वगैरह होते हैं ना, जैसे बॉडी में सिक्स पैक बनाते हैं, ये क्या बाहर से इंपोर्ट करते हैं बॉडी में सिक्स पैक, या बॉडी में होता है? बॉडी में ही होता है। जैसे मान लो सर इनके अंदर सिक्स पैक इनके अंदर है, इनके अंदर है। अब मान लो ये सर जिम ज्वाइन करे और लक्ष्य बनाए मेरे को सिक्स पैक बनाना है 1 साल में, और ये 1 साल कंटिन्यू जिम जाए और जो वो जिम का ट्रेनर इनको बताए वो सारे काम ये सही तरीके से फॉलो करे, जो एक्टिविटी वो बताए वो ये सारी एक्टिविटी करे, जो चीज वो खाने के लिए बताए वो ये सारा खाना खाए, जो 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 वो बताए सारे काम ये फॉलो करे,
अब बताओ ये एक साल बाद इनका सिक्स पैक निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकल जाएंगे। अच्छा दूसरा, अब ये जिम ज्वाइन कर ले, उस ट्रेनर के सामने जाके बैठ जाए और जो वो बताए उस पर तालियां बजाए, खूब हंस ले, बहुत बढ़िया, जोरदार, मजा आया, शानदार, करे कुछ नहीं और करे कुछ नहीं, इनका सिक्स पैक कब निकल जाएंगे भाई? सब 10 सालों में जिंदगी भर नहीं निकलेगा, सिक्स छोड़ो एक भी नहीं निकलेगा। हेलो, अब बहुत सारे लोग आर सिंह की मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, खूब सेल्फी लेते हैं, तालियां बजाते हैं, हाथ मिलाते हैं, वाह वाह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब वो जो आर सिंह के अपलाइन बता रहा है ना, वो करे कुछ नहीं तब रॉयल्टी आ जाएगी? जिंदगी भर नहीं आएगी, 50 साल भी नहीं आएगी। कितने? 50 साल। फिर फोटो दिखाते रहे ना, देख मैंने भी किया था। ये लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट, टूरिस्ट तो ऐसे टूरिस्ट आपने बहुत देखे होंगे और आपने भी ऐसे कर्तव्य किए हैं ना, तो आपको याद आ रहा होगा, हाँ मैंने भी कुछ ऐसे किया राइट। अच्छा मैं कई बार मीटिंग में बात बताता हूँ ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल कोई अपलाइन कोई स्टेज से बात बताए तो बाद में ना वो डाउनलाइन उससे नाराज हो जाती है राइट। अब बात तो बताइए 50 लोगों में नाराज वही क्यों हुआ? उसने वैसे किया है, उसने नजर किया है। तो जो चीज गलती अपनी होती है ना, तो अपने को लगता है ये मेरे को ही बोल रहा है, तो वो तो कॉमन बोल रहा है, आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आप ये कर रहे हैं, तो नाराज नहीं होना, नाराज हो गए तो अपलाइन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते राइट, क्योंकि अपलाइन के पास ऑप्शन होता है। 1% तो है ये भारत में, 148.50 करोड़ तो बाकी है। सही कह रहा हूँ? yes. तो बी सीरियस, ये होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग टूरिस्ट, अपन तो नहीं है ना। दूसरी तरह के लोग होते हैं एमेच्योर। क्या होते हैं? एमेच्योर। उनको क्या लगता है, मैं जुड़ जाऊं, इधर वाले मेरी अपलाइन चला दे, इधर वाले 8-10 लोग मेरे साथ जुड़ जाए, इधर अपलाइन करे, इधर ये काम करे, अपने को पैसा आए, कैसा पॉसिबल है? नहीं। वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहता, वो तो फोन करता है, उधर मेरा आदमी है, अपलाइन को फोन करता है, सर वो है उसके पास आप जाना, उससे भी आप मिलके आना और मेरी एक लेट भी आप चलाना। तो इनकी कामयाब होने की जो चांस है ना, वो 0.1% है। कितने? 0.1% कि भाई अकेले ऐसा कभी कुछ हो जाए, बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं। तीसरे तरह के लोग होते हैं प्रोफेशनल। कौन होते हैं? प्रोफेशनल। और दुनिया में जब काम शुरू होता है ना किसी सेक्टर में, तो 95% लोग हर सेक्टर में फेल होते हैं और 5% लोग कामयाब होते हैं। क्यों होते हैं सर? 95% लोग किसी भी काम को अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और सारे प्रोफेशनल तरीके से स्कूल में पढ़ाई करते तो सारे मेरिट क्लास पास होते, 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उस क्लास में मेरिट क्लास पास तो 5 ही लोग होते हैं, 95% बच्चे तो कोई फर्स्ट डिविजन, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल, कोई ग्रेस पीरियड। क्यों? तो प्रोफेशनली पढ़ाई नहीं करते। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ, आईएएस का, 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया इंडिया में, 11 लाख से ज्यादा। कितने? 11 लाख। और पास कितने हुए सर पता है? 900। ये सरकारी नौकरियों का आंकड़ा है। अच्छा मैं बताओ, 11 लाख जो बाकी बच्चे थे उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, उन्होंने टाइम नहीं लगाया, उनके माँ बाप के सपने नहीं थे, उनके माँ बाप उनको व्यवस्था नहीं दी, सब दी, पर ये 900 वो लोग थे जिन्होंने उस पढ़ाई को प्रोफेशनली किया, बाकी सबने अनप्रोफेशनली किया। अपने को भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपसे बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा। समस्या यह है इस बिजनेस को आदमी करता है अनप्रोफेशनल तरीके से, इसलिए वो बाहर हो जाता है। अपने को क्या करना है? प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं। तो देखिए हर इंडस्ट्री के अपने सिद्धांत होते हैं, जैसे आप वकालत करेंगे तो वकालत के अपने सिद्धांत है, आप दुकानदारी करेंगे दुकानदारी के अपने सिद्धांत है या नहीं है राइट। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अपने सिद्धांत है,
नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के अपने सिद्धांत है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अपने सिद्धांत है, टैक्सी चलाते हैं तो टैक्सी के अपने सिद्धांत है, और आसीन करते हैं तो आसीन के अपने सिद्धांत है। बेसिक्स हर चीज हो, बेसिक्स होते ही होते हैं। आज करोगे तो भी है, 2000 साल बाद करोगे तो भी है। जैसे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई, जैसे इंग्लिश में आपको पढ़ाई करनी है तो ए बी सी डी ये होते ही है। कलकत्ता में पढ़ाई करोगे तो भी है, सिलीगुड़ी में करोगे तो भी है, अमेरिका में करो तो भी है, चाइना में करो तो भी है, पाकिस्तान में करो तो भी है। बेसिक्स होते ही हैं, आज करो तो भी है, 1000 साल पहले भी थे, 1000 साल बाद भी हैं। ठीक है, उसी तरह से आज से में कामयाबी के बेसिक्स हैं। बेसिक का पहला नियम क्या है? सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूज मिनिमम डायमंड क्लब। अगर आपको आरसी में आगे जाना है ना सर, डायमंड क्लब को अपना साथी बना दो। इससे नीचे के जितने भी परचेज है ना सर, जितने भी, वो सारी कंफर्ट जोन है। तो क्या है? कंफर्ट जोन है। और क्रीज में खड़े खड़े छक्के कभी नहीं लगते हैं। छक्के मार रहे हैं ना तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद सिक्सर बनते हैं। अच्छा, इसमें बहाने बनाओ तो किसका नुकसान हो रहा है? अरे भाई डायमंड क्लब के बिना आप इस बिजनेस में जल्दी कामयाबी पर नहीं जा सकते। पर आज का संसार सर ऐसा है, लोग ऐसे हैं, जितना ज्यादा आप लेट करोगे ना अपनी कामयाबी में, उतने ही ज्यादा लोग आपसे दूर हो जाएंगे। हेलो, अगर आप डायमंड क्लब पे फोकस करते हो तो 10 लोगों से ओपनर आ जाता है। डायमंड क्लब पे फोकस करते हो तो लगभग 100 लोगों से, 100 तो होते ही, 80-90 लोगों से आपकी रॉयल्टी आ जाती है। डायमंड क्लब पे फोकस करते हो 200 लोगों से टेक्निकल आ जाता है। डायमंड क्लब पे फोकस करते हो 1000 लोगों से रूबी आ जाता है, वरना 10 लाख भी ज्वाइन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फास्ट गति से करना चाहते हो कि धीरे धीरे करना चाहते हो? सर समय कहाँ है? समय कहाँ है? टेस्ट मैच कौन देखता है आज? कौन देखता है? जमाना ही T20 का है। अब अगर आप आरसी में रॉयल्टी, मतलब अभी नए प्लान के हिसाब से करीब 30,000 की इनकम, 30,000 की इनकम पे जाने के लिए 5 साल लगोगे, और फिर बोलते हो सर मेरे वाला तो मेरी बात मानता ही नहीं, कभी नहीं मानेगा। आप वाला छोड़ो, आपकी घर वाली, आपके माँ बाप आपकी बात नहीं मानेगा। अब जमाना क्या है? आज आरसीएम ज्वाइन करो, 6 महीने 50,000 की इनकम कैसे आई वो बात करो। आप जमाना एडवांस है सर,